कलियर के साबिर भी बोले मेरे ख्वाजा तू मोहम्मद का प्यारा है। अब इसकी तशरीह दो शेरों में, उस आस्था ने नूर की सरहद को पा लिया, उस आस्था ने नूर की सरहद को पा लिया, ख्वाजा को जिसने पाया मोहम्मद को पा लिया। आज बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, दोनों दोनों को बहुत अच्छा सुना। हो हरियर के साबिर भी बोले हरियर के साबिर भी बोले और माहिन के मखदूम भी बोले आज के कितने दीवाने बैठे हो चचा, कसम खुदा की ये चार मिसरे जो मैंने पढ़े हैं शायद ही जिंदगी में किसी फनकार के जहन से गुजरे हो, बाबा ताजुद्दीन के। तुम सरे इंसानियत का जगमगाता ताज हो, तुम सरे इंसानियत का जगमगाता ताज हो। अभी ये मेरा ऑपरेशन जो हुआ था सबने फेसबुक पे देखा है, कसम गरीब नवाज की आमने सामने ताजुल औलिया से मुलाकात हुई, आमने सामने बड़ी देर तक मुझसे गुफ्तगु हुई। हालांकि ये बात बताना नहीं चाहिए मगर ये दिल में रह नहीं सकता इसलिए मैं बता रहा हूं। इसलिए ये कहा गया है क्योंकि गुर्बत की जिंदगी ने सितंदर बना दिया, हिलते हुए गुलाब को पत्थर बना दिया। एक बार उनसे मिलने का अरमान था बहुत, जिनकी दुआ ने मेरा मुकद्दर बना दिया। तुम सरे इंसानियत का जगमगाता ताज हो बाबा, ताज वाले भी ये कहते हैं कि बाबा ताज हो, ताज वाले भी ये कहते हैं। अरे सुभान अल्लाह का हो यार, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बिलासपुर में आया हूं। ताज वाले भी ये कहते हैं कि बाबा ताज हो, आपके दर पर फरिश्तों को भी ये कहते सुना, क्या रखे वो ताज सर पर जो सरापा ताज हो। हो बलियर के साबिर भी बोले और माहिन के मखदूम भी बोले सुनो बजा रहे थे। ये हमारे सलीम चिश्ती साहब की थोड़ी पुरजोर फरमाइश थी। सलीम भाई गरीब नवाज के दरबार में सब जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, सब गरीब नवाज को खुश करते हैं, मगर कमाल वो चीज है जो गरीब नवाज के कल्ब को खुश करता है।
इसलिए गरीब नवाज को महफिल समा बहुत पसंद है। अल्लाह हू अकबर। ये झूम के बोले मेरे राजा, मेरे राजा तू मोहम्मद का प्यारा, मेरे राजा तू मोहम्मद का प्यारा है, तू मोहम्मद का प्यारा है, मेरे राजा तू मोहम्मद का एक अछूता शेर सुनिए, क्योंकि सरजमीन बिलासपुर गरीब नवाज की बड़ी चाहत रखता है। अल्लाह हू अकबर। वो शेर मैंने अधूरा सुनाया था। फकीराना अदाए हैं मगर जो सामने बैठे तवज्जो, फकीराना अदाएं हैं मगर सुल्तान जैसा है, फकीराना अदाएं हैं मगर सुल्तान जैसा है, मेरे ख्वाजा पिया का पोला पुला जैसा है, बैठे हैं उनसे गुजारिश है। दोस्ती करके तो देखो, दोस्ती करने से पहले कुछ नहीं होगी। हाँ, एक शेर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इतनी इतनी बुलंदियों पे है किस्मत न पूछिए, इतनी बुलंदियों पे है किस्मत न पूछिए, मसलक न पूछिए मेरी निस्बत न पूछिए, इतनी बुलंदियों पे है किस्मत न पूछिए, बस लग न पूछिए मेरी निस्बत न पूछिए, मुझको खरीदने में तो बिक जाओगे जना, मुझको खरीदने में तो बिक जाओगे जना, ख्वाजा का मैं गुदाम हूं कीमत न पूछिए मेरे ख्वाजा। सदकाए गरीब नवाज दिया है, मैं बड़ा शुक्र गुजार हूं। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। एक शेर, क्योंकि मैंने जब हज का सफर किया तो बिल्कुल फ्रेश था, और जब भी अजमेर जाता हूं तो बिल्कुल फ्रेश रहता हूं चाहे मैं बीमार क्यों ना हूं। इसलिए चार मिसरे कहा है कि अनजाने हादसात की आहट नहीं होती, और ख्वाजा अगर बुलाए रुकावट नहीं होती। 100 बार आते जाते किया है ये तजुर्बा,
कि अजमेर के सफर में थकावट नहीं होती। आज जो एक ताकत है मेरे अंदर 57-58 की एज में, ये भी मेरे ख्वाजा का कदम है। कैसे? उनका ही नाम लेके निकलने लगा हूँ मैं, उनका ही नाम लेके निकलने लगा हूँ मैं। मुझे यकीन है मेरे नौजवान जरूर आएंगे इस शेर पर। उनका ही नाम लेके निकलने लगा हूँ मैं, अब ख्वाजा के ही टुकड़ों पे पलने लगा हूँ मैं। बहुत सारे वली अल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, मगर समा फरमाए या गरीब नवा हिंदुस्तान के वलियों पे ख्वाजा का राज है। शेर सुन ले, हिंदुस्तान के वलियों पे ख्वाजा का राज है, ख्वाजा के सर पे इसलिए भारत का ताज है। बहुत दिनों से घर नहीं गए, वीडियो कॉल पर बेटी से बात की और उसकी शक्ल में मेरी छोटी सी लाडली। ये हमारे वहां के शायर है, क्या शेर कहता है वो आदमी, अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा है कि भले भूखा सही पर बासली का रखा करती है, मेरी गैरत मुझे औरों से ऊंचा रखा करती है, मेरी मासूम बेटी भी हया से खूब वाकिफ है कि वो बुढ़ियों के सर पर भी दुपट्टा रखा करती है। बेटा ये शेर सुना और अब्बू को दुआ दे देते कि कहां रहमत बरसती है खुदा की जान लेती है, कहां रहमत बरसती है खुदा की जान लेती है, परेशानी मेरे चेहरे से अक्सर जान लेती है, पड़ोसियों से वो छल्ली कभी मांगा नहीं करती, पड़ोसियों से वो छल्ली कभी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। हेलो, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सुनाने में, इसके बाद कसम सुनाने का बड़ा मजा आएगा। हाँ, तवज्जो चाहूंगा।
जितने भी बैठे सबको ये शेर पसंद आएगा, सिर्फ चार पांच शेर, क्योंकि मैं ये मेरा रिकॉर्ड है, आप उठाकर देखेंगे। यहाँ अगर रात भर में अगर आठ चीजें पढ़नी होती है, मैं बस 16 कलाम पढ़ाता हूँ, वक्त बहुत कम लेता हूँ, ये मेरी आदत है, चाहे कितने भी पैसे हैं। या गरीब नवा हम गमजदों को कैद अलम से रिहा किया, गुमराह जिंदगानी को हक आशना किया, मुझको तो उतनी गिनती भी आती नहीं कभी, मुझको तो उतनी गिनती भी आती नहीं कभी, जितना मोइनों की मुझको अता किया मेरे ख्वाजा, तू मोहब्बत का प्यारा सारे जहां के वास्ते पहचान हो गए, सारे जहां के वास्ते पहचान हो गए, कल कुछ नहीं थे आज वो धनवान हो गए, सारे जहां के वास्ते पहचान हो गए, कल कुछ नहीं थे आज वो धनवान हो गए, ख्वाजा पिया की नजर करम का कमाल है, ख्वाजा पिया की नजर करम का कमाल है, कि कल के भिखारी आज के सुल्तान हो गए मेरे ख्वाजा। गागर आया था मटिया मोह यूपी की जानी से, ये बहुत सारा नजर ना गरीब नवाज का मिला है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आखिरी शेर सुना रहा हूँ तो मुझे चाहूंगा, ओ मेरे चिश्ती कौन बैठा है महफिल में, हाथों में किसके बोली ये चिश्ती आलम नहीं, हाथों में किसके बोली ये चिश्ती आलम नहीं, है कौन जिसने ख्वाजा पिया का करम नहीं, फरिश्ते उतरते हैं बाअदब, क्योंकि ख्वाजा का दर गरीबों की जन्नत से कम नहीं मेरे ख्वाजा।
रिमझिम बरसती नूर की बरसात आ गई, गम की घड़ी में खुशियों की पारा आ गई। मेरी जुबान से निकले की तापस करम मुई, मेरी जुबान से निकले की तापस, क्योंकि ख्वाजा की बात सुनते हैं हम इस यकीन से, ख्वाजा की बात सुनते हैं हम इस यकीन से कि सरदार बोलते हैं जुबान मोइन से। अल्लाह हू अकबर, सरकार बोलते हैं जुबाने मुईन से, इसलिए रिम झिम बरसती नूर की बरसात आ गई, गम की घड़ी में खुशियों की बारात आ गई, मेरी जुबान से निकला ही था बस करम मुईन, झोली में तेरे नाम की खैरात आ गई मेरे ख्वाजा। जीते रहो अल्लाह अल्लाह अच्छा लगे गरीब नवाज से सब मेरे ख्वाजा तू मोहम्मद का आखिरी इस कलाम का पेश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जरा महफिल को गरम कर दो, गरम गजल पढ़ता हूं क्योंकि ये गजल को बड़े व्यूज मिले हैं। इंशाल्लाह 3 गजलें पढ़ूंगा हर राउंड में, जो मेरे दोस्तों ने फरमाइश की थी वो गजल अगर आप कहते हैं तो वो पढ़ देता हूं। समा फरमाए गरीब नवाज के दीवानों से तवज्जो। हैरत में है निगाह अंधेरा किधर गया, और दामन मेरा करम के उजालों से भर गया, उस दर पे आके हाल सुनाने की देर थी, उस दर पे आके हाल सुनाने की देर थी, या ख्वाजा कह दिया तो मुकद्दर संवर गया मेरे ख्वाजा।